अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी मैं और शाहरुख जा रहे हैं नाश्ते पे, क्योंकि मुझे बहुत दिन से ना दिल चाह रहा था कि मैं बाहर का नाश्ता करूँ, तो मैंने इन्हें उठाया है। और इन्हें अभी ऑफिस भी जाना है, तो अभी हम लोग पहले नाश्ता करेंगे फिर ऑफिस ये जाएंगे। और आज मेरा ऑफ है तो मैं घर पे हूँ। बाकी दो दिन से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं बिज़ी थी, क्योंकि मेरी डेली फ्लाइट्स थी। और मैं आप लोग को रूम भी दिखाती हूँ कि मैंने बिल्कुल सेट कर लिया। और आज रात में हमने कहाँ जाना है? आज हमने जाना है शादी में भी, तो उसके ड्रेस भी मैंने डिसाइड करना है कि मैंने क्या पहनना है, तो वो मैं अभी आकर वो भी डिसाइड करूँगी। तो अभी हम लोग चलते हैं नाश्ता करने के लिए। चलें, सब चीज़ें ले ली, भूले तो नहीं आप कुछ? अभी शाहरुख रुके हैं छोले चावल खाने के लिए नाश्ते में। वो ये देखें आप लोग, क्या मतलब है ये, क्यों खाना है? ये ऐसी कल मामा बोल ली थी कि ठेले में कुछ बेच रहा था, मैंने कहा मैं खा के टेस्ट करूं कैसा होता है ठेले का खाना। ये वाला नाश्ते में कौन खाता है ये? पर सही है, जब बंदे का दिल चाह जाए। भाई तो इनके फेवरेट आ गए छोले चावल, ये आप लोग देख सकते हैं। ये मेरे फेवरेट नहीं है। आपके फेवरेट नहीं है? ये मैंने गांव में खाए थे एक दफा। बस जहाँ पे ठेला दिख जाएगा वहाँ पे आपको ये सब खाना होता है ना? कैसा है? अच्छा बहुत। खा लें बस अब। अब बिरयानी से दिल भर जाएगा तब आप ये खाना। मुझे चाट टाइप वाली वो आ रही है इसमें से। अगर नहीं भाई भाई ये खाना चाहिए ठेले का आइटम। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आप जाके इंसान खाते रहता है, ठेलों के खाने का मजा लेकिन अलग है। हाँ ये बात तो है वैसे। चलो अब आराम से खा लो, ठीक है? यहाँ आप शाहरुख की हरकतें चेक करें, इन्होंने मांगी बिरयानी टेस्ट करने के लिए। मतलब हम आए थे खाना खाने के लिए पर हर जगह इन्हें सिर्फ बिरयानी खानी। सही सही, मैंने मांगी है ना? आप ही ने मांगी है। मत कर दो। कैसी है बिरयानी? तो आप हर जगह की पागल हो, आपने खुद मांगी है। नाश्ता कर लें हम लोग? नाश्ता आ चुका है हमारा, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखें, और शाहरुख ने अपने लिए मंगवाई है ये हलीम और पराठा भी। बहुत दिल चाह रहा था हलीम खाने का। वैरायटी हो ना नाश्ते की, बहुत सारी चीजें। ओके, तो अभी हम लोग अपना नाश्ता एंजॉय करेंगे। क्या मजे का? हलवा पूरी और ये हलवा मजे का बहुत। आपने हलीम तो खा के देखी नहीं, इतने मजे की हलीम है। अच्छी है ना? और चाय खाई आपने? बिरयानी खाने का दिल कर रहा था इसका, इतने मुझे बोला लेकिन मैंने मना कर दिया। माशाल्लाह तुम्हारे चेहरे से भी बड़ा है एक गिलास, लेकिन ये नाश्ता करके हम लोग निकल चुके हैं। और मैं आप लोग को सच बताऊं तो नाश्ता बहुत अच्छा था। आपको कैसा लगा शाहरुख? परफेक्ट है ना? मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और जो जूस था अनार का वो भी बहुत मजे का था। वो तो मैंने रख दिया क्योंकि मैंने जाया नहीं करना था, मैं घर जाके आराम से उसे पीऊंगी। और आज तो आप छुट्टी करेंगे ऑफिस की। आज मैंने कह रही हूँ कि आज आप ऑफ करें क्योंकि आज है फ्राइडे, तो हम दोनों मिलके नमाज पढ़ेंगे, कुरान शरीफ पढ़ेंगे, इबादत करेंगे, अल्लाह ताला का जिक्र करेंगे। कपड़े नहीं भाई, तो आज आपने मेरा ड्रेस भी चूज करना है जो मैंने रात में पहनना है। अभी मैं 12 बजे से लेके तो भाई मैंने देखे उसकी प्रेस करना है उसे। हाँ। उसकी ज्वेलरी निकालनी है, तो कितने काम होते हैं लड़कियों का आप लोग तो समझ सकते हैं। हाँ, तो मतलब सुबह के 12 बजे से लेके रात के 10 बजे तक ये काम करने हैं। तो यार 8 घंटे आज मैं ऑफिस में जाके रूल बना देता हूँ कि जिस जिस लड़के की शादी हुई भी है वो सारे लड़के ऑफिस आने ही छोड़ दें। फ्राइडे को आना छोड़ दें।
आज मैं रूल बना सुनो तो ये रूल बनाने के लिए तो जाना पड़ेगा ना, आज नहीं वो मंडे को बनेगा, तो फिर आज का ऑफ छुट्टी आज ही ऑफ कर रहे हैं, फिर मैं मिलती हूँ घर जाके आप। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को आज और अभी अभी एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाली हूँ, बस आप लोग अपना दिल थाम लें। मैंने आज शाहरुख की हेयर स्टाइलिंग की, तो आप लोग ये देखें। हेलो, दिल दिखाएं, हाथ उठाएं, हाथ उठाएं यार प्लीज। कैसा लग रहा? अच्छा, वाओ, कितने अच्छे लग रहे हो आप। ओके, लाफिस। तो मैं बाहर आ गई हूँ, शाहरुख का वेट कर रही हूँ क्योंकि अब वो आने वाले हैं, तो देखते हैं कब तक आते हैं। और माशाल्लाह शाम में मौसम बहुत अच्छा हो जाता है कराची का, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये देखें आप। और आप लोग मेरी वीडियोस प्लीज़ फुल वॉच किया करें और लाइक और कमेंट भी किया करें, अच्छा लगता है। मैं आपके सारे कमेंट्स रीड करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ तक मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी करें और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, थैंक यू सो मच। तो बस देखते हैं शाहरुख कब आते हैं। तो घर आ चुके हैं ये, और अब देखेंगे अपने क्या कर रहे हो आप। मैं जाल उड़ा रहा हूँ जी, जाल उड़ा रहा हूँ। और रियली तो ये अपने कपड़ों को इस्त्री कर रहे हैं, और मैं आज जो पहन रही हूँ लहंगा, मैंने अपना मंगवा लिया था, मैं आप लोग को दिखा भी देती हूँ। ये देखें आप लोग, ये इसकी है चोली और मेरा लहंगा, ये देखें आप लोग। तो कमेंट में लाजमी बताइएगा कि कैसा लग रहा है, मुझे तो ये बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है ये, फेवरेट। तो रेडी शेडी होकर के मैं फिर से दिखाऊंगी। बाकी हम लोग रेडी हो गए और मैं आप लोग को अपना फुल लुक दिखाती हूँ। और आप शाहरुख का देखें, अभी इन्होंने शूज़ चेंज करना है, आप मुझे भी दिखाओ। और कैसी लग रही है, मैं कमेंट सेक्शन में आप लोग लाजमी बताइएगा। बस हम लोग अब लेट हो रहे हैं तो हम लोग जा रहे हैं, बाय बाय। हम लोग आ चुके हैं और शाहरुख ने मुझ पर इतना गुस्सा किया था कि हम लोग लेट हो गए। और आप लोग को मैं दिखाती हूँ, अभी कोई भी नहीं आया हुआ, ये देखो आप लोग चेक करें, बस आराम से आप लोग चेक करें कि कोई भी नहीं है, बस घर वाले। क्यों किया था इतना गुस्सा? मेरा मासूम चेहरा देख के किसी को लगता है कि मैं इस पे गुस्सा कर सकता हूँ? सच बताऊं गुस्सा नहीं, मतलब ये कह रहा था कि जल्दी करो। नहीं, मैं इस बात पे नहीं, मैं आम जन में उसको बोलता हूँ, मैं कह रहा तुम तैयार होने में 2 घंटे लगाओ, कोई मसला नहीं है, मैं देखता रहूँगा। लेकिन तैयार होने के बाद ये जो आधा घंटा शीशे के सामने खड़ी रहती है ना, वो मैं कहता हूँ वो खड़ा ना। और इन्होंने इतनी जल्दी जल्दी की, पर खैर है कोई बात नहीं। और मैं 8:25 पे उठा और 8:30 में रेडी हो गया। अच्छा, फिर भी तो अभी हम लोग अपने वीडियोस वगैरह बनाएंगे। मैं कैसी लग रही हूँ? मतलब अभी मैं इसकी वीडियोस बनाऊंगा। मैं कैसी लग रही हूँ? आप हसीन। और आप लोग भी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ आज। बड़ी देर से कोने में छुप के सुकून से बैठे थे, ये शख्स आ गया सुकून खराब करने के लिए। तुम लोग डालते तो नहीं मेरा जिसमें ब्लॉग में, अरे तो वो ब्लॉग अभी तक हमने डाला ही नहीं है ना। हम डालते रहते ना, पहले जो ब्लॉग है हम उनको पहले डालते हैं, हम डे वाइज चलते हैं ना, अभी वो वाला दिन आया नहीं। जिस ब्लॉग में आ रहे थे वो ब्लॉग नहीं डाल रहे, यार बंदा थोड़ी देर सुकून से बैठ के है। मैंने कमेंट करना भी शुरू कर दिया है सिर्फ तुम्हारी वजह से। चलो भाई, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत अच्छे। अच्छा एक बात तो बताओ अली, आज खाने में क्या मेन्यू है? चने की दाल, भिंडी, दाल फ्राई, भेजा फ्राई, कटाकट। अबे सही वाला मेन्यू बता यार। चलो फिर बैठना पड़ेगा ना। हाँ बताओ। अबे छोड़, अबे बता दे यार, भूख लग रही है यार। तो भाई रिजा, आपको इतनी भूख लग रही थी, लेकिन इसको अगर ये पता भी चल जाता ना कि खाने में क्या है, तो ये सोच के थोड़ा रिलैक्स हो जाती कि मैं इस खाने का वेट कर रही हूँ। भाई शादी में मैं इसलिए आती हूँ कि मैं खाना खाऊंगी और मैं रेडी होंगी, अपनी वीडियोस बनाऊंगी, टिकटॉक की वीडियो बनाऊंगी, पिक्चर्स लूंगी, और मुझे थोड़ा तंग करूंगी, 3 घंटा तैयार होंगी, 1 घंटा अपने आप को आईने में देखूंगी। बहुत जल्दी रेडी हुई हूं, बहुत जल्दी। भाई ये रेडी जल्दी होती है। हाँ सही, आप रेडी जल्दी होती है, लेकिन आप रेडी होने के बाद 1 घंटा अपने आप को सिर्फ आईने में देखती है। तो ठीक है भाई, मैं इसको डेयर दे रहा हूँ, एक दिन हम लोग किसी ऐसी आम से रेस्टोरेंट में जाएंगे खाना खाने और ये ऐसी लहंगा पहन के आएगी। तो
पता नहीं शाहरुख किधर चले गए और मुझे तो भूख नहीं लग रही है, पर हाँ अब एक बात ही खुशी है कि खाना लगने वाला है। आप लोग भी कहते हैं कितना खाना 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 कहती है, पर ऐसा नहीं है, मैं जो हूँ मैं वही अभी कैमरे में हूँ, तो मुझे फेक बनने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। तो भाई साफ ही बात है, मुझे भूख लग रही है क्योंकि मैंने सुबह का सिर्फ नाश्ता किया बता और उसके बाद मैंने नहीं खाया, और मुझे जब भूख लगती है तो मुझे हर इंसान को खाना चाहिए होता है, तो मुझे भूख लग रही है इसीलिए। खाना लग चुके और आप लोग रश देखें सब लोगों को, और मैं मासूम बैठी हुई हूँ। चलो तो उठे आप, क्यों भाई खाना लेकर आइए, थोड़ा सबर करो, इतना रश लगा हुआ है, पहले लोगों को खाने दो, आप जगह बनाओ अपनी। इतनी जल्दी होती है, जिसको भूख लग रही है वो खुद लेकर आए, थोड़ा आराम से। आप लोग बना जगह बनानी है ना, ऐसे रश तो मैं उनको पहले ही खा चुकी हूँ, रश चेक करें कितना। खाना वाना होता है नहीं, बस शोर करवा दे। चलो आप जल्दी से आओ ना, घर में भी इतना सुबह से कुछ खाया नहीं, क्या करोगे, बिरयानी लगेगा। तो सही, मुझे अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाया, मैंने लहंगा पहना हुआ है, मैं कैसे उठूँ जी। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया, बाकी खाना बहुत अच्छा था, सब चीज़ बहुत अच्छे से हो गई, खाने का रिकॉर्ड मैं नहीं कर पाई, और अभी हम लोग बस घर के लिए निकल रहे हैं। सो अभी हम लोग आए हैं चेस, क्योंकि मेरा फेस पाउडर शाहरुख ने तोड़ दिया था, इनसे गलती से गिर गया था, तो मुझे वो लेना है, तो अभी हम लोग चलते हैं। और चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि लहंगा मैंने पहना हुआ है। चले एक मिनट, टेन टेन फंस जाते हैं नीचे। मुझे इतनी ज़्यादा शर्म आ रही है क्योंकि हर कोई ना मुझे देखकर, पर तो क्या हुआ यार, लहंगा पहन कर आना मना तो नहीं होता, अब हमारी मर्जी है, हम लहंगा पहन कर आएँ, साड़ी पहन कर आएँ, या अपनी शादी का शरारा पहन कर आएँ, तो हम पे डिपेंड करता है ना भाई शाहरुख, मैं सही कह रही हूँ गलत। तो भाई घर आ चुके थे हम लोग, मैंने चेंज वगैरह कर लिया, बाकी चेज़ में तो कुछ भी नहीं मिला जो मुझे चाहिए था, वो तो मुझे मिला नहीं, और अल्लाह का शुक्र शादी भी सही थी। बाकी उम्मीद है कि आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।